अग्रवाल धर्मशाला में यूथ स्पोर्ट्स एसोसिएशन की बाबैण इकाई का विधिवत शुभारंभ हवन करके किया गया। कार्यक्रम में ब्लॉक समिति पिपली के चेयरमैन विक्रमजीत सिंह चीमा ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस दौरान विक्रमजीत सिंह चीमा ने कहा कि वह भी कबड्डी के खिलाड़ी रहे हैं। खिलाड़ियों की समस्याओं से वे भलीभांति परिचित हैं। संगठन के सदस्यों को उन्होंने विश्वास दिलाया कि यूथ स्पोर्ट्स अकादमी की बाबैण इकाई के खिलाड़ियों के सहयोग एवं सहायता के लिए वे निरंतर तैयार रहेंगे। संगठन के महासचिव एवं कोच चवन लाल ने यूथ स्पोर्ट्स एसोसिएशन की वर्ष भर की विभिन्न गतिविधियों की वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत की। उन्होंने कहा कि हमारे लिए बहुत गर्व का विषय है कि हमारे दो खिलाड़ी वर्ल्ड कराटे चैंपियनशिप में अपना शानदार प्रदर्शन करके वापस लौटे हैं। इस अवसर पर यूथ स्पोर्ट्स एसोसिएशन के चेयरमैन जोग ध्यान ने कहा कि उनका उद्देश्य युवाओं को खेल से जोड़ना है, क्योंकि आज का युवा खेल से दूर होता जा रहा है। इसके साथ उनके संगठन का लक्ष्य रक्तदान शिविर लगाकर सामाजिक कार्यों को बढ़ावा देना भी है, जिससे समाज के लोगों की अधिक से अधिक सेवा की जा सके। इस अवसर पर सरपंच राजेंद्र कुमार बप्ती, हाकम सिंह संगोर, राजवीर मौवाखेड़ी, रामकरण साहिल, विक्रम विक्की, लव कुमार बरोट, प्रतीक सेठी, मुकेश कुमार, मनोज कुमार, सुखवीर सिंह आदि मौजूद रहे।